हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कलर कैसे फिल किया जाता है। देखिए, कलर फिल करने के लिए क्या तरीका है। यू कैन ऑल्सो फिल कलर इन योर ड्राइंग बाय यूजिंग दिस कमांड। या तो आप सेट FC लिख दीजिए या फिर सेट फ्लड कलर लिख दीजिए, सेट पेन कलर या फिर सेट PC लिख दीजिए। और फिल इट विल फिट द सेलेक्टेड कलर इनक्लोज्ड फिगर में, क्या करेगा वो कलर फिल कर देगा। दो तरीका है इसका, एक तो आप कमांड लिख दीजिए और दूसरा आप फाइल मेन्यू से जाके भी आप कलर फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू में जाकर भी आप यहाँ से सेट करेंगे कलर, फ्लड कलर करेंगे, कलर चूज कर लेंगे तो वो कलर फिल कर देगा। क्लिक ऑन सेट मेन्यू फ्लड कलर, ठीक है, ये चले जाइए, यहाँ पे कलर चूज कर लिए तो आपका हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सर्कल बनाएंगे। पहली बात तो रिपीट 60 और 6, ये दोनों का क्या हो गया, 360 हो गया, यानी कि ये सर्कल बनेगा। तो सर्कल बना हुआ है, कोई बात नहीं, FD और RT6। अब क्या किया है, राइट डायरेक्शन में घूम गया अब टर्टल, वो पेन अप हो गया यानी कि उठ गया, अब वहां से हट गया, अब दोबारा लाइन उसके पीछे नहीं बनेगा। फॉरवर्ड 20 चला, कौन सा चीज हमने यूज किया है, सेट फ्लड कलर, और ये कोड डाल दिया और फिर फिल कर दिया। ये जो कोड है वो यहां से आपको मिल जाएगा। ये जो कोड है ये कहाँ से है, किसका है, ग्रीन कलर का है, किसका है, ग्रीन कलर का है। तो इस ग्रीन कलर के कोड को हम लोग जब डालेंगे तो हमारा जो सर्कल है कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। आप इसमें इस जगह पर कोई और कलर का कोड डाल सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं कि वो किस कलर का, उस कलर का हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो फिगर है उसमें हम लोग कलर फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट कमांड के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।